एवरीवन, वेलकम बैक टू अफसाना की जहाँ। आज सुबह से यहाँ पे बहुत बारिश हो रहा है, मतलब क्या ही बताएं, बारिश के सीज़न में पता नहीं हमारे यहाँ पे क्या होगा। तो मैं सुबह उठ के पहले देख रही थी चारों तरफ, फिर मैंने थोड़ा सा खुद को भी देखा और ये रही मेरी मम्मी। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट शावर भी ले लिया। तो ये मम्मी का सूट सिल के आ गया है और आज मैं ये भेज लूँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं दिखा देती हूँ। ये मम्मी के लिए जो सूट सिलने दिया था वो एक, दो और तीन। और बारिश आ रहा है, मुझे दिखा दे, बारिश आ रहा है तो शायद साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम हो, आप लोग एडजस्ट कर लेना। तो ये दो सूट मैं पहले लेके आई थी और जब टेलर के पास सिलने दिया था तो ये भी अच्छा लग गया था मुझे, तो मैंने ये भी सिला लिया उनके लिए। तो मैं दिखाती हूँ, फर्स्ट ये है, इसका कलर बहुत प्यारा है, एकदम पाउडर पिंक टाइप का, और इसमें सीक्वेंस का भी वर्क है। क्लोज लिया इधर, यहाँ पे सीक्वेंस का वर्क है और वाइट धागे के साथ काम है। ये इसका पैंट, मम्मी पटियाला ही पहनती है तो उनके लिए यही सिलाया है। और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी काफी बड़ा है, ये एक सूट। और ये दोनों तो मैं मार्केट से ले आई थी, ये ऐसा बना है। इसका सिर्फ यहाँ गले पे काम है थोड़ा सा, और वो गोरी है तो मेरे तरफ लिया, और वो गोरी है तो उनको हर कलर सूट करेगा ये। और ये इसका पैंट सेम ही, सबका पैटर्न सेम ही है। और ये दुपट्टा, और एक ये इसका कलर भी, ये सब तो मैंने पहले ही शेयर किया था। ये इसका भी सिर्फ गले में वर्क है और ये भी हमें अच्छा लगेगा पहनेंगी तो। और ये इसका पैंट, ये भी पटियाला है। और पापा और भैया के लिए भी हम लोगों ने सब कुछ ले लिया एक ही बार कल। तो ये भैया के लिए है, ये कुर्ता का कपड़ा है, तो वो मैंने सिर्फ कपड़ा ही लिया है, वो अपने हिसाब से सिला लेंगे, वो उनके लिए है। दिखाती हूँ मैं थोड़ा खोल के, बहुत ही प्यारा सा येलो कलर में है। तो ये भैया का है मुझे, और ये पापा के लिए शर्ट और पैंट का कपड़ा, ये पैंट का कपड़ा है और ये शर्ट का। तो पापा के लिए भी मैंने कपड़ा ही लिया है, वो भी अपने हिसाब से बना लेंगे। तो बहुत ही सुंदर कलर ये शर्ट का, और एकदम कॉटन में है तो गर्मी में उन्हें पहन के बहुत आराम मिलेगा। ये पापा के लिए हो गया। और भी क्या, और भी कुछ है। तो वहाँ से आते टाइम एक दुकान है तो मुझे एक टॉप अच्छा लग गया, तो मम्मी ने वो मुझे दिला दिया, टॉप या शॉर्ट कुर्ती कुछ भी बोल सकते हैं। ये बाहर ही लगा हुआ था तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, तो मम्मी ने फिर मुझे दिलाया। सूट करेगा ना मुझे ये कलर? हाँ। कैमरामैन कैमरा करेगा। इसमें ये बहुत सुंदर लेस का वर्क है यहाँ पे, नेट का लेस, और यहाँ पे ये जो लेस रहता है वो, और इधर भी थोड़ा सा नेट लगा हुआ है ये, और इसका हाथ का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। लेकिन मैं इसको खोल दूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत टाइट हो रहा है यहाँ पे, मैंने पहन के देखा तो इसको खोल के नॉर्मली सिला लूँगी बस। तो शाम को मैं ये सारा चीज़ लेके जाऊँगी उन लोगों को पहुँचाने के लिए। तो अभी इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं, बाय। और ये रहे मेरे कैमरामैन दोनों, सुबह गर्ल, हाँ गर्ल दोनों को मैंने सुबह सुबह उठा दिया और आया शूट करने के लिए, थैंक यू। फिर उसके बाद मुझे बाहर कुछ काम था तो मैं चली गई थी, फिर वापस आके अभी यहाँ पे नाश्ते का तैयारी हो रहा है क्योंकि ये सब रेक्सू के घर भेजना है, मतलब मैं ही लेके जाऊँगी, वो आएंगे मुझे लेने। तो अभी मैं पूरियाँ तल रही हूँ, मम्मी बेल के दे रही थी और मैं बस यहाँ पे तल रही हूँ, और भी बहुत कुछ बनेगा।
उस दिन तो पूड़ियाँ भी इतने अच्छे से फूल रहे थे, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, एकदम परफेक्टली, मतलब मेरे से ऐसे कभी नॉर्मली बनता नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत अच्छे से बन गया था, क्योंकि पूड़ियों को भी पता है शायद कि आज उन्हें रेक्सो के घर जाना है, तो इसीलिए वो लोग भी एकदम परफेक्टली फूल गए थे। अभी मैं बनाऊंगी बैंगन के पकोड़े, क्या बोलते हैं उसको, बेगुनी, बंगला में बोलते हैं बेगुनी। ये बैटर का रेडी है, ये इस तरीके से मम्मी ने काटा है और इसको फ्राई, और उसके बाद फिर दाल के पकोड़े, और लास्ट में फिर बनेंगे चिकन के पकोड़े। तो मैंने कभी नहीं बनाया, आज फर्स्ट टाइम। फर्स्ट वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये इस तरीके से फूलेगा और ये फूल भी रहा है। और ये बारिश की वजह से तो मुझे वीडियो एडिटिंग में वॉइस ओवर देने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं रात को एडिट करने की कोशिश करती हूँ तो बारिश आता है, उसमें वॉइस पता ही नहीं चलता है, और अभी मैं दिन में एक रूम में बैठ के अभी दे रही हूँ वॉइस ओवर, तो यहाँ पे भी मेरा आवाज़ इतना भारी आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, जबकि नॉर्मली इतना भारी है नहीं मेरी आवाज़। ये हो रहा है दाल के पकोड़े, मम्मी बना रही है। ये क्या है, ये चिकन, चिकन का पकोड़ा जी। वाह, आज फर्स्ट टाइम बन रहा है हम लोगों के घर पे, और ये भी रेडी हो चुका है। फिर सब कुछ फ्राई हो जाने के बाद अभी मैं सारा चीज़ एक जगह रख रही हूँ। ये बॉइल्ड चना है, और यहाँ पे मम्मी ने फ्रूट भी कट करके रख दिया था सब कुछ, तो अभी मैं सब एक साथ करके फिर सबके लिए पैक करूँगी। अभी मैं फटाफट इन सबको पैक करूँगी, जन्नत लोगों को भी देना है, रेक्सो के घर भी जाना है, तो फटाफट मैं पैक कर लेती हूँ। ये पूड़ी है, ये कच्चा चना, प्याज, टमाटर, इधर फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये बैंगन के पकोड़े, दाल के पकोड़े, और ये चिकन फ्राई, और उधर दिखाइए मुझे सेवई बन रहा है, और भी कुछ बन रहा है वो आएगा फिर, अभी मैं जल्दी जल्दी उठाती हूँ, अभी बंद करो। तो ये सब क्लिप मुझे रेक्सो ने शूट करके दिया, इसलिए मुझे उस टाइम पे हंसी शर्म दोनों एक साथ ही आ रहा था। और अभी मैं यहाँ पे जन्नत लोगों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों रोज़ा है, तो पहले मैं उन लोगों को ले जाके दूंगी, और फिर आके हम रेक्सो के घर के लिए रेडी करेंगे, और फिर जाएंगे रेक्सो के घर। ये सेवई है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, चूड़ा को, चीरा को, चूड़ा, चूड़ा, और बादाम फ्राई, और ये है चना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों बैठ के रेक्सो के घर के लिए सब कुछ पैक कर रहे थे, क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, और शाम भी हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ा सब कुछ।
ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी मैं भी रेडी हो जाती हूँ और सब पैक करके फिर मैं भी जाऊँगी रेक्सो के साथ। मम्मी यहाँ पे पैक कर दिया सब कुछ। ये है, ये तो नहीं जाएगा शायद। मुझे अच्छे से रेडी नहीं होने दिया इन लोगों ने, मैं इसे ही जा रही हूँ। लेट भी हो रहा है क्योंकि मुझे रेडी नहीं होने दिया आप लोगों ने। जो ज़्यादा मतलब बड़ा बिजनेसमैन है, बारिश तो अच्छा हो रहा है। और पता नहीं उस टाइम पे मुझे कौन सा ऐसा बिजनेस का बारे में नॉलेज आ गया था जो मैं रेक्सो के साथ डिस्कस कर रही थी। फिर वहाँ पहुँच के मैंने सबको सब कुछ दिया, सबसे मिल के फिर हम लोग आ गए थे घर। और मैंने तो वहाँ जाके कुछ शूट किया नहीं, तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। ओके बाय। वेट यहाँ पे रेक्सो बहुत अच्छे से गाना गा रहे थे और जो कि मैं नहीं सुना सकती अगर कॉपीराइट आ गया, क्योंकि ऑलरेडी गाना गाड़ी में भी चल रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को किसी दिन सुनाऊंगी उनका गाना। ओके okay?